हेलो उदयपुर में आज हमारी दिन की शुरुआत हो रही है नाश्ता करके। नाश्ता हमने ऑलरेडी कर लिया जैन पोहा सेंटर पे, मैंने उसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अब विनोद भाई हमारे साथ है, मैंने ऑटो हायर किया है और इसमें हम चल रहे हैं उदयपुर घूमने के लिए। आज दिन भर रहेंगे, शाम को 8 बजे तक, सुबह 8 बजे हमने सफ़र शुरू किया था। इनफैक्ट 7:30 ही कर लिया था और अभी 8:15 ऑलरेडी हो गए हैं। विनोद भाई अपन कौन से एरिया से निकल रहे हैं अभी? दिल्ली गेट सर्कल। दिल्ली गेट सर्कल, हाँ जी सर। तो अभी अपन चेतक सर्कल जाते हुए फतेह सागर लेक जाएंगे सर। फतेह सागर कितना अभी 1-2 किलोमीटर दूर? हाँ, 2 किलोमीटर है सर। उदयपुर का सबसे फेमस लेक है सर फतेह सागर लेक। सर मेवाड़ के लोग जो है वो ऐसा रहते हैं, जैसे आप आए ना तो हमारे घर के मेंबर हैं। इस तरह से हम साथ में चलते हैं उनके। ये चीज़ तो देखो मैंने पूरे राजस्थान में नोटिस करी है जी सर। अब जैसे हम लोग जोधपुर जैसलमेर गए, वहाँ भी मैंने देखा और इधर भी नोटिस कर रहा हूँ, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। बिल्कुल सर। उदयपुर में हमने 2-3 दिन बिता लिए हैं ऑलरेडी, तो मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है यहाँ पर ना, लेडीज रात को 11-12 बजे भी बसेस पे आती हैं, ट्रेन पे आती हैं, और अगर अकेले सोलो ट्रैवलर आ रही है ना तो उनके लिए भी जगह बहुत सेफ है, है ना? बिल्कुल सर। यहाँ अगर रात को आप 1-2 बजे भी अगर कहीं भटक जाते हैं, किसी भी बंदे से पूछते हैं कि सर हमें ये एड्रेस पे जाना है, या तो बंदा आपको खुद छोड़ देगा या पूरा एड्रेस दिखा देगा आपको कि सर आपको इस तरीके से जाना है। आपकी सबसे बढ़िया बात बताते मेरे को यहाँ पर क्या लग रही है, मौसम बड़ा शानदार है। हाँ सर, है ना? अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप ऐसे 11-12 बजे, अभी तो नहीं बजे लेकिन 11-12 बजे धूप में घूम नहीं सकते, पसीना आता है। यहाँ पर 11-12 बजे धूप में भी कोई तकलीफ नहीं है। ये सर अपना फतेह सागर लेक आ चुका है। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वाह। अच्छा अपन धीरे धीरे हाइट से नीचे उतर रहे हैं ना, वाह भाई बड़ी गजब लेक है। तो थोड़ा सा ऑटो में हमको फतेह सागर पहले बाहर से दिखाओ ना, फिर अपन रुक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा 200-400 मीटर ऑटो पे चलो, काफी बड़ी लेक है। बहुत बड़ा है सर। फतेह सागर लेक को हमने नजदीक से देखा, मेरा मन था थोड़ी सी हाइट से देखेंगे और अच्छा लगेगा। तो बगल में सर्किट हाउस है, तो मैं सर्किट हाउस में ये गार्डन दिख रहा है ना, यहाँ पर आ गया हूँ। अब हम पहाड़ के थोड़ी सी ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं। वाह, कोई भी वाटर बॉडी को हाइट से देखते हैं ना हमेशा अच्छा लगता है, वो चीज़ मेरे को यहाँ भी महसूस हो रही है। एकदम पूरा तो नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पर, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ व्यू शानदार है, नो डाउट। यहाँ पर इस एरिया में ना, मतलब मैं लेक किनारे की बात कर रहा हूँ, 4-5 स्टार लेवल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे यहाँ पर हिल टॉप करके होटल है, सामने लेक साइड है और रेडिसन ब्लू भी यहीं कहीं है, मतलब लेक साइड के बगल में, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ से देखते हैं व्यू और फिर यहाँ से हम चलेंगे। वाह, ये भी सही है, इंटरेस्टिंग लेक व्यू वहां से बेटर दिख रहा था, बट ये भी सही है, एक डिफरेंट साइड हम लेक की देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। हमें फतेह सागर लेक पहुँचे हुए ना ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम हो चुका है। आप सोचो 2 घंटे से यहाँ पर है, थोड़ा सा नज़दीक आके ना हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं और लेक को नज़दीक से महसूस भी कर सकते हैं। ये देखो जी कितना पास है ना हम लेक के, मतलब पानी के कितने पास है। 2 मिनट पहले ना मैं उस तरफ गया था, वहाँ सामने वहाँ पर मैंने इस लेक का जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है ना वो देखा नज़दीक से, और बहुत लोग आके वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे और 15-20 मिनट तक सब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वहीं पे खड़े हुए हैं और उस पानी के फ्लो को महसूस करें। फतेह सागर लेक देख के ना मेरे को इतना आइडिया तो लग गया कि बोलते ना उदयपुर का सिटी ऑफ लेक्स, तो अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी, मतलब आप जब बाकी सारी लेक हम विज़िट करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। अब सोचो 2 घंटे से यहाँ पर है और यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। और शाम को मुझे किसी ने बोला यहाँ पर ना जब भी फाउंटेन चलते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, और शाम के समय लाइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है,
देखेंगे शाम को आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। सामने वहाँ पर एक्वेरियम है, चलकर एक्वेरियम विजिट कर लेते हैं। ये तो पैदल का रास्ता ही है, आओ। अच्छा कुछ देर पहले ये लोगों ने बोटिंग चालू नहीं किया था, अब बोटिंग भी चालू हो गई है। स्पीड बोट देखो कितनी गदर चल रही है, उफ मस्त है। आओ हम लोग एक्वेरियम विजिट करने आए हैं, 143 रुपीस पर पर्सन की टिकट ले ली है। भैया म्यूजियम आपका सुबह 8 बजे से शाम को कब तक खुला होता है? शाम को 11 बजे तक। अच्छा रात के 11 बजे तक। कोई फिश? ब्लैक घोस्ट किंगफिश, ब्लैक घोस्ट निफिश। मैंगो ऑस्कर फिश इतनी प्यारी लग रही है ना। यहाँ देखो क्या सिस्टम है कि ऊपर आप एक्वेरियम देखते हो, नीचे स्क्रीन पे फिश के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो यहाँ पढ़ते जाओ और सामने आप फिश को देखते जाओ। आओ आगे चलते हैं। रेड टेल कैटफिश को वैसे तो देख नहीं पाएंगे, म्यूजियम में ही देख सकते हो। सामने से देखो ना, सांस लेते हुए महसूस हो रहा है फिश ब्रीथ कैसे कर रही है। ये क्या चीज़ है? ये VR है, वर्चुअल रियलिटी अंडरवाटर एक्सपीरियंस है। इस डिवाइस को आंखों पे लगाने पर ऐसा फील होगा आप समुंदर के अंदर हो, ओशन के अंदर। एक 5 मिनट का रहेगा, 159 का, उसमें ओशन का सुंदर सा व्यू रहेगा। और एक एडवेंचर है 299 का, उसमें शार्क आएगी जो आपके केज पे अटैक करेगी और ओशन का व्यू भी रहेगा। 299 वाले में 159 वाला भी इंक्लूड रहेगा, दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों मिला के 5 मिनट का एक्सपीरियंस है, 15 मिनट का। तो हमें करवा दो आप, कैसे कर 159? हाँ, कहाँ से लें टिकट या पैसे काट लो 159। बाकी बड़े करे हो तो एडवेंचर वाला करके, बड़े 15 मिनट का टाइम थोड़ा भागना है हमको, मन तो है करने का लेकिन टाइम शॉर्ट है। तो ये मुझे टिकट दे देना, पूरे फाड़ दिया आपने। ओके हाँ ओके, करो जी स्टार्ट करो। ये पकड़ के खड़े हो ना केज को? पकड़ना नहीं, आराम से। अच्छा पता लगे मैं गिर गुर गया, मेरे को लगा मैं सीमी आ गया। देखो समय कितना बदल गया है, वी आर एक्सपीरियंस हम फील कर रहे हैं, हम समुद्र के बीच में हैं। वाकई तो सही है, चारों तरफ देखो आराम से। हाँ वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को वाकई ऐसा महसूस हो रहा है मैं समुद्र के बीच में और एक केज हिल रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम पानी में ना काफी नीचे आ गए हैं और मेरे को अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा मैं हाथ ऑब्वियसली हाथ कहाँ से दिखाई देंगे, वी आर है देख तो वो रहा हूँ जो ये दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखो बहुत ऐसा लगा, बहुत बड़ा फिश मेरे केज के नीचे चलेगी और केज ट्रांसपेरेंट है। ऐसा चलते हुए ना जैसे अब खुद को तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन इसको टच करें क्योंकि ये केज है ना, तो अब रियल में ये केज है लेकिन मेरे को ये VR में दिखाई नहीं दे रहा। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। आओ जी आगे चलते हैं। ये रास्ता बड़ा प्यारा है, यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है लेकिन आप वॉक करके करते जाओगे तो बड़ा मजा आएगा। विनोद फास्ट फूड में हमारी सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई है। भाई आप आए हो गुजरात जूनागढ़ से, फतेह सागर लेक के बगल में ना चौपाटी है जी। तो यहाँ इधर भी ईटरीज हैं, इधर भी ईटरीज हैं। एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो? खत्म हो गई है, इंटर्नशिप अभी चल रही है।
क्या पढ़ रहे हो? MBBS मैंने खत्म कर दिया। MBBS? तो बड़ा मुश्किल पढ़ाई होती है उसकी? बहुत मुश्किल है। बाद में सब वो PG वगैरह का भी देखना पड़ता है। कितने 5 साल लग जाते हैं MBBS करते करते? साढ़े चार साल तो लग ही जाते हैं। बड़ी मेहनत। कितने घंटे पढ़ते हो रोज? रोज 6 से 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है। 6-7 घंटे तो शायद कम बोल रहे हो, लोग तो इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं, पढ़ना ही है, इतना तो मैंडेटरी है, 6 से 7 घंटे तो मैंडेटरी। बाकी हॉस्पिटल में काम करना वो अलग, हॉस्पिटल में काम करना, ड्यूटी में जाना है, वार्ड में जाना है, वो अलग है। लो यार आपकी कॉफी ठंडी होगी। इन्होंने भैया ने ये आपने मुझे सजेस्ट किया है कि यहाँ पे ना CCC करके बोलते हैं, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, तो मैंने भी अपने लिए वही मंगाई है। बहुत यहाँ पे सब आते हैं शाम को 4-5 बजे मतलब सनसेट देखने के लिए। हाँ। और सब ये वेरी गुड। ओके जी, बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। टेस्ट तो सही है, ठंडा तो है, थोड़ी आइस भी है और आइसक्रीम तो वैसे ठंडी है। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम का प्राइस है 80 रुपीज। मैंने भी पूछा आप रात को कितने बजे तक होते हो, शाम को कब तक होते हो, कह रहे हैं 11 बजे तक। इसका मतलब लोग आते ही होंगे शाम के समय, अब लाइटिंग देखने आए तो यहाँ पे कुछ खा पी लिया। गुड। देखो इस समय हम हाथीपोल मार्केट में हैं, सिटी पैलेस से ये बाज़ार लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आदिल भाई से मेरी मुलाकात हुई है, तो आप हमें अपने घर लेके चल रहे हो जहाँ पे टाई एंड डाई का काम होता है। जी सर, मेरे घर पे टाई एंड डाई का, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। अच्छा, आप लोग बांधनी का काम यहाँ पे करते हैं? बांधनी एंड ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों इन बेसिक। तो कैसे काम हो रहा है, कुछ देख सकते हैं? कोई है अपने पास अभी हाथ में? बिल्कुल, रुमाल है। पुरखों से चलता रहेगा? पुरखों से, मेरे परदादा से तो मैं जानता हूँ। रहने वाले आप उदयपुर के ही हैं? हम लोग वैसे पोपर मारवाड़ी है, पाली के, यहाँ आके बस गए फादर 1901 में। 1901 से आपका परिवार यहाँ पर? यहाँ है। ये कपड़ा इस तरह से, देखिए ये लकड़ी के ब्लॉक को इस तरह रख के लकड़ी, लाल कलर जो बना हुआ है, हल्दी और नींबू के पानी से बनाते हैं इसको। अच्छा जी, हल्दी और नींबू के पानी से? जी हाँ। ये एक आजकल नई जो जनरेशन आ रही है वो कहाँ कर रही है सब काम? ये इतना मेहनत का वो करते नहीं। अब इस पूरे कपड़े को छापने में सिर्फ 15 रुपये मिलते हैं, 15 रुपये में कलर भी, अपनी मेहनत भी। अच्छा, ये कलर उस 15 रुपये के अंदर ही है? सब आ गया। ये देखिए, अब इसके अंदर ये हैंकी हो गया, अब इसको डिज़ाइन किस तरह बनाना है, ये जैसा डिज़ाइन आप चाहेंगे विदाउट मेजरमेंट मैं आपको बना के बता देता हूँ, आप खुद कहेंगे कि वाकई में कमाल हो गया। और सबसे देखो ना मेन बात, नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर है, ट्रीज गम, टर्मरिक और लेमन जूस, 3 आइटम। तो ऐसा जोड़ने से रंग लाल हो जाता है? हल्दी के अंदर जैसे ही नींबू गिरेगा लाल हो जाएगा। बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और हमें और आप लोग प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल ये आता है गोल्ड पाउडर, इट इज केम, ये आता है बाहर से, यूरोपियन मुल्क, इंग्लैंड से। ब्रास पाउडर होता है, तो ये ब्रास पाउडर इतना बारीक होता है कि उसको खाली ट्रीज गम के साथ मिला देता हूँ, तो नेचुरल जो कलर है ट्रीज गम के अंदर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो आपने कितनी बारीकी से बीच का गैप फिल कर दिया, ये अति सुंदर बेहतरीन। बहुत से सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मेरे दादा और पिताजी ने जो टेक सिखाया, आप देखिएगा कितना भी जाड़ा कपड़ा हो, यहाँ तक कि ये भी मैं खाली 2 उंगली से कट कर देता हूँ। कैसे दिखाओ? ये देखिए, वाह बड़ी कला है ये अभी सूख जाएगा सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। और आपने 5 मिनट के अंदर हमको हैंकी बना के दिखा दिया, बहुत बढ़िया। और आप ये काम करते रहिए, और आपने जैसे बताया कि आपके 2 बेटे भी ये काम कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, आपने आगे जनरेशन को काम चीज के लिए पास करने की कोशिश करी है। अच्छा जी, माता जी धन्यवाद, थैंक यू। कुमार जी, सहेलियों की बाड़ी में मैं कमल तले ही आके आपको एक बड़ी गजब की चीज़ दिखा रहा हूँ। ये सारे कमल के पौधे हैं, ये फाउंटेन्स हैं, ये देखो ना ये पानी है,
सहेलियों की बाड़ी में बड़े सारे फाउंटेन हैं, उनमें से एक यहाँ है, जगह जगह है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहा हूँ, जिसको सेट करने में मेरे को आधे घंटे का टाइम लगा है। मैं ताली बजाऊंगा, फिर फाउंटेन ऊंचा हो जाएगा, फिर ताली बजाऊंगा, फाउंटेन नीचे हो जाएगा। आप देखना जादू कैसे काम करेगा। देखो देखा सही, अब दोबारा ताली बजाऊंगा, देखना फाउंटेन नीचे होगा। काम कर गया ना, एक दो बार और ट्राई करेंगे ऊपर। इंटरेस्टिंग ना, ठीक है, एक बार और करेंगे, नीचे आ गया, फिर दोबारा। इंटरेस्टिंग है ना। अब ये हमने कैसे किया ये मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर आओगे या आप यहाँ पर आए हो तो आप पता लगाना कि आप ताली बजाते हो तो होता नहीं होता, और होता है तो कैसे होता है, और फिर कमेंट में बताना, क्योंकि ये तो बड़ी पॉपुलर जगह है। अगर कोई भी उदयपुर आए तो यहाँ पर आता है। एक बार और कर लेते हैं, नीचे हो गया, एक बार ऊपर जाएंगे। चलो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, बाकी जगह आप जरूर देख लो कैसी है। हम लोग ना अमरई हवेली आए हैं। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था यहाँ आप शाम के समय आइए, अच्छा लगेगा, घाट भी है और यहाँ पर आप डिनर भी कर सकते हो। तो डिनर तो मैंने कहीं और सोच रखा है, लेकिन हम देख लेंगे अंदर से। मुझे भैया ये बताओ यहाँ पर घाट किधर है, आओगे साथ में? बहुत खूबसूरत। इस समय हम पिछोला लेक के घाट किनारे खड़े हैं। 10 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट लगती है यहाँ पे आने के लिए। सनसेट वहाँ पे हो रहा है, उस तरफ अभी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूरज वहाँ ढलेगा। लोग बाग क्या करते हैं, वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर बैठ जाते हैं और सनसेट देखते हैं। ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है शाम के समय, क्योंकि नीचे लेक, इधर सनसेट, और वैसे तो यहाँ पे खड़े होके भी बड़ा मैजिकल सा एक्सपीरियंस है। आप खुद देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। पिछोला लेक पे ना बोटिंग भी होती है, वो मैं फिगर आउट करूँगा कि कहाँ से बोट स्टार्ट होती है, क्योंकि हमको बोटिंग भी करनी है कल परसों में। आपको सामने टेम्पल दिखाई दे रहा है, वो जगदीश टेम्पल है। सिटी पैलेस की इस समय हम बैक साइड पे हैं। ये सामने सिटी पैलेस है सारा, ये जो एरिया ना सिटी पैलेस की बैक साइड वाला, इस 3 किलोमीटर के दायरे में मुझे लगता है नाना करते भी 300 से 400 होटल होंगे। कितने होटल हैं ना इस जगह, लवली। अच्छा ये सामने एक रेस्टोरेंट है, वो दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं अमरई हवेली रेस्टोरेंट। थोड़ा सा उधर तक चलते हैं। लोग बाग यहाँ पर पाँव पानी में डाल के बैठे हैं। नाइस एक्सपीरियंस। सामने लेक पैलेस ताज, उदयपुर की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ना एक्सेस बोट से ही है, अरावली हिल्स चारों तरफ, बीच में लेक और लेक में लेक पैलेस। ये बगल में बड़ी सी बोट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना जिनका इच्छा हो, आप एक ऐसा डिनर करना चाहते हो जो आपको यादगार बन के रहे, तो वो लोग बोट में बैठकर डिनर करते हैं ऐसा। इसका नाम गंगोर बोट है। कितना उसका कॉस्ट आता है मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक समथिंग बिटवीन 30,000 to 50,000 रुपीज़। वैसे देखो जैसे हरिद्वार में किसी की डेथ होती है, उसके बाद जाते हैं कर्मकांड के लिए, वो भी एक रीज़न है, लोग यहाँ पर आते हैं डेथ के बाद। तो आज की तारीख में ये जगह टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट है। लोग बाग आके घाट किनारे बैठते हैं, ये व्यू एंजॉय करते हैं, हम भी कर रहे हैं। नाइस प्लेस। कुछ देर पहले ना हम लेक के उस पार थे, मैंने व्यू दिखाया था ना कितना अच्छा लग रहा था। अब अंधेरे में भी यहाँ पर लोग हैं जो घाट किनारे बैठे हुए हैं और ठंडी हवा का आनंद उठा रहे हैं। एनीवेज आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल का हमारा प्लान कुछ ऐसा, हम रायता करके एक जगह वहाँ जाना चाहते हैं, बाकी थोड़ा लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे। आज तो हम राजस्थानी फूड नहीं खा सके, लेकिन कल मेरा मन है कुछ ट्रेडिशनल फूड लंच में खाया जाए।
राइट। चलो ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।